ठीक है गाइस, देखो लगभग एक मल्टी वैगत स्टॉक है जहां पर आपको गिरावट देखने को मिला, तो हमें करना क्या चाहिए? क्या हमें ऐसे स्टॉक से दूर रहना चाहिए, या फिर बाजार में जब गिरावट हो रही है तो लगभग हमें मतलब अच्छा पोजीशन मतलब अच्छा मौका मिला खरीदने के लिए, या क्या करना है, बाय करना है, सेल करना है, या फिर होल्ड करना है? यहाँ कि यहाँ पर अगर आप देखोगे निफ्टी फिफ्टी में तो बजाज की तो मतलब चारों तरफ से पिटाई हुई है। देख लो, चाहे फाइनेंस हो या फिनसर, 5 से 6% तक के दोनों में गिरावट हुई है भाई। मतलब काफ़ी अच्छा तगड़ा गिरावट देखने को मिला है, मतलब बड़ी बड़ी गिरावट है। लेकिन आपको समझ में भी आना चाहिए कि ये दोनों मल्टी वैगर स्टॉक है, याद रखो, है कि नहीं है? तो अच्छे स्टॉक्स में गिरावट होता है तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? खरीदना चाहिए। खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए? खरीदना चाहिए। बेचना चाहिए क्या? नहीं। तो अगर आप बजाज फिनसर की बात करते हो तो ये आपको काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे देखने को मिलता, 17,000 के आसपास। ये स्टॉक ना कुछ बड़ा करके दिखाएगा आपको, इतना याद रखिएगा। भले ही आज के रेट में गिरावट है, वो भी 5%, लगभग 1,000 रुपये के आसपास है, 800 से 900 रुपये के आसपास, काफ़ी तगड़ा गिरावट है। पिछले 5 दिनों में भी अच्छा खासा गिरावट हो चुका है, यहाँ पर अगर देखेंगे तो 1,200 रुपये के आसपास, सही है। और 1 महीने में देखोगे तो लगभग 1,000 रुपये के आसपास गिरावट है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें डरना नहीं चाहिए यहाँ पर, क्योंकि बड़े बड़े गिरावट आए हैं बाज़ार में बहुत वक्त में। यहाँ पर देखिए हर जगह, ये तो कोविड है, इसको छोड़ देंगे, है कि नहीं? लेकिन बड़े बड़े गिरावट आए, लेकिन फिर भी कंपनी ने लंबे समय में 14,000% तक का रिटर्न निकाल के दिया है, जो कि टाइमिंग बताया जा रहा है, यहाँ पर देख सकते हो आपके सामने है, 2008 से 2021। सोच सकते हो लगभग 10-12 सालों में ही कंपनी ने 10-12,000% का रिटर्न दिया है। तो आपको क्या लगता है, पर ईयर 1,000% रिटर्न निकाल के दे रहा, छोड़ देना चाहिए क्या ऐसी कंपनी को? मतलब 5% की गिरावट देखने को मिली है, मतलब बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। सोच लो 5% 10% की गिरावट है यहाँ पर, तो सही है। तो मुझे लगता है ऐसे स्टॉक्स में खरीदना चाहिए, बेचना तो नहीं चाहिए। क्योंकि आपको समझना चाहिए कि अगर आप रोड पे जा रहे हो, सही है, अगर कहीं आप सपोज मान लेते हैं कि आप साइकिल से जा रहे हो, किसी ने बाइक से आपको ठोक दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी साइकिल नहीं चलाओगे, बाइक नहीं चलाओगे, फोर व्हीलर नहीं चलाओगे, या कहीं आप ट्रेन में नहीं जाओगे, हवाई जहाज में नहीं जाओगे, इसका मतलब ये नहीं होता। आप सही से जा रहे हो ना, बगल वाले ने ठोका ना, भले ही मानता हूं कि आपको चोट लगा होगा, भले हाँ भाई देखो बगल से भी या आपने कहीं से भी होता तो चोट तो लगेगा, तो पता है, लेकिन गलती किसकी थी ये तो समझने वाली चीज़ है ना, है कि नहीं है? तो गलती किसने की? बगल वाले की। बोले भाई गलती चाहे जो भी, नुकसान तो ना। अच्छा सपोज मान लेते हैं, सही है, मान लेते कि दोनों लोगों ने पढ़ाई किया, दोनों पढ़ने में बहुत अच्छे थे, अच्छा खासा डिग्री किया, तो मान लेते कि कोई साइंस में बहुत अच्छा, साइंस में उन्होंने मतलब कोई बहुत ज़्यादा पढ़ाई किया, और एक ने गलत रास्ते पर चल गया, एक अच्छे रास्ते पर चल गया, तो इसका मतलब क्या कि हमें अच्छा खासा पढ़ाई नहीं करना चाहिए, बड़ा नहीं बनना चाहिए? अब लोग क्या क्या बोले जा रहे हो समझ में नहीं आ रहा। मेरा कहने का मतलब यही है कि निफ्टी में गिरावट देखने को मिली है, सेंसेक्स में गिरावट देखने को मिली है, पूरे बाजार में गिरावट देखने को मिली है, इसके वजह से बजाज फिनसर में भी आपको गिरावट देखने को मिली है। लेकिन बजाज फिनसर में अगर आप देखोगे, एक्चुअली फंडामेंटल देखोगे, तो क्या कंपनी में कोई गलती है? क्या कोई भी गलती नहीं है। देखोगे यहां पर तो ईयर ऑन ईयर के हिसाब से कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ता जा रहा है। ये देखो, जब कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, कस्टमर बढ़ रहे हैं, बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी जब साथ में यहां पर, तो फिर कोई टेंशन वाली बात है? कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप सही जा रहे हो। भले ही सामने से अगर कोई आंधी तूफान आती है तो आपको थोड़ा बहुत टकरा सकते, तकलीफ हो जाएगी। यहां पर अगर आप देखोगे तो 2018 में यहां पर देख सकते हैं 32,800 करोड़ का रेवेन्यू था, आज के डेट में अगर आप देखोगे तो 63,300 करोड़ का रेवेन्यू आपको देखने को मिला। लंबे समय में देखो यूं कितना अच्छा ग्रोथ देखने को मिला। तो कोई कंपनी के अंदर से कोई बीमारी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है यहां पर। के साथ साथ देखो ईपीएस भी ग्रो ही होता जा रहा, अर्निंग पर शेयर इसको बोलते हैं, अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पर कंपनी कितना कमा लेते हैं उस हिसाब से। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर देखोगे तो हाँ थोड़ा बहुत नीचे आया है, पहले 22 के आसपास था, अभी लगभग देखो 19 के आसपास है, मतलब ठीक ही ठाक है। देखो 22-19 के आसपास रहना ही चाहिए, 20% के आसपास तो रहना ही चाहिए, इतना अच्छा होता है किसी कंपनी में। यहाँ पर देखो कंपनी के पास देखो कैश फ्लो देखो, कंपनी लेने देने वाले ही काम करती है, तो इस वजह से कैश फ्लो में तकलीफ हो जाती है। यहाँ पर देखो कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव चला जाता है, लेकिन अभी देखो पॉजिटिव में आ चुका है। ये देखोगे कंपनी का, अभी देखो 2021 में कंपनी पहली बार पॉजिटिव में आया, 4,547 करोड़ के आसपास, तो ये हमारे लिए अच्छी खबर है। कंपनी में देखो कैश फ्लो देखने को मिलता, फाइनेंस वाले भाई लेना देना रहता है, ये तो पैसे का तो लेन देन है, समझ रहे हो ना, इस वजह से ऐसा रहता है, लेकिन बाकी सब कुछ ठीक देखने को मिला, कंपनी में कोई तकलीफ नहीं है। कंपनी का मार्केट कैप अगर आप देखना चाहते हो, रेवेन्यू देख लो, अर्निंग देख लो, नेटवर्थ देख लो, सब कुछ देख लो, प्रमोटर हिस्सेदारी, लिक्विडिटी देख लो, हाई है, सब कुछ ठीक है। तो बजाज जैसे स्टॉक्स को मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप करना चाहिए, अगर आप समझदार हो तो मुझे लगता है कि इतना स्टार आपके लिए काफी है, और ऐसे स्टॉक को 5 स्टार देना चाहिए, और धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो में खरीदना चाहिए।
कंपनी की पकड़ बहुत मजबूत है, इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ हो गया, ये सारी चीज़ों में कंपनी काम कर लेती है, फाइनेंस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, वेल्थ मैनेजमेंट वगैरह हो गया, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, मतलब सब्सिडरी कंपनियां वहां पर भी इन्वेस्टमेंट वगैरह कर ही लेते हैं, जॉइंट वेंचर में काम कर लेती है कंपनी उसके साथ साथ, सही है, हर जगह कंपनी काम कर लेती है देख लो। और साथ साथ में अगर आप देखोगे तो लगभग ये कंपनी यहां पर रिन्यूएबल एनर्जी में भी ये मतलब अपना क्या बोलते हैं ग्रो करना चाहती है। रिन्यूएबल एनर्जी अगर आप देखोगे, विंड टर्बाइन अगर आप देखोगे, सोच लो तो कंपनी को जहां बड़ा प्रॉफिट दिख रहा है कंपनी वहां जा रही है। तो मुझे लगता है कि बेस्ट है ऐसे कंपनी, ऐसी कंपनी में अगर आप देखोगे पहले लगभग 58% प्रमोटर्स के पास था और अभी अगर आप देखोगे तो लगभग 60-61% के आसपास हिस्सेदारी है, मतलब प्रमोटर्स ने माल बेचा नहीं है, कांस्टेंट रेट में रखा है और अच्छा है। फॉरेन वाले के पास भी अगर आप देखोगे तो लगभग 8-9% के आसपास है, डोमेस्टिक वालों के पास भी काफ़ी अच्छी हिस्सेदारी है, यहाँ पर कोई नहीं बेचा। अगर आप देखोगे डिफरेंस देखोगे थोड़ी बहुत डिफरेंस ही देखने को मिलेगा, देखो पॉइंट में डिफरेंस है लेकिन लंबे में कोई डिफरेंस है क्या? कोई नहीं। पब्लिक के पास भी देखो कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है। तो आंधी सामने से आई थी इस वजह से धूल आपको भी लग गए हैं, लेकिन आंधी चली जाएगी तो आप बस धूल झाड़ लो और उसके बाद फिर चलना स्टार्ट कर दो। मतलब बजाज फिनसर जैसा कंपनी लंबे समय में तकड़ा और अच्छा ही है। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो अपने डीमैट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहां पर आप एनएससी, बीएससी, म्यूचुअल फंड कुछ भी खरीद सकते हो। जो चार्जेस वगैरह होते हैं बहुत छोटे होते हैं, डीमैट अकाउंट फ्री, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज लगता है, वो भी इंट्राडे में जो हर जगह देखने को मिलता है। देखो एंजल वन बन चुका, नंबर वन स्टॉक ब्रोकर देखने को मिल रहा है यहां पर, आप और आपका पैसा दोनों सेफ है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिनटों में जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं।